एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हींग का अचार। आजकल कच्चा आम मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, मैंने 1 किलो आम लिया है और इसको अच्छे से पहले 3-4 घंटे पानी में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इनको सुखा लिया है। अब हम इसको छीलेंगे। ये इसको हम यहाँ से कट करेंगे ऊपर से, और ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद है, पीला नहीं होना चाहिए। जो भी अचार आप डाल रहे हैं वो आम पीला नहीं होना चाहिए। और इसको इस तरह से हम छील लेंगे चारों तरफ से। आप ये ध्यान रखिए, आपका चाकू गीला नहीं होना चाहिए, आपकी प्लेट या जिसमें आप काट रहे हैं वो बाउल भी आपका सूखा होना चाहिए, क्योंकि जब भी अचार खराब होता है ना तो केवल नमी के कारण खराब होता है। उसमें अगर मॉइस्चर होता है, पानी होता है ना, तो अचार खराब हो जाता है। तो आज ये हींग का झटपट बनने वाला अचार हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, जैसे भी आप फांके करना चाहें इसकी ना। देखिए, या तो आप इस तरह से लंबा लंबी ऐसे लंबी लंबी फांके कर लीजिए, है ना, छोटी पतली, ताकि अच्छे से गल जाती हैं। और या आप ऐसे इस तरह से छोटे पीस कर सकते हैं, पर मैं जो है यहाँ पर ये लंबी फांके ही करूँगी, मुझे ये अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से करके हम ये सारा काट लेंगे। तो ये जो लंबी फांके है ना, ये मेरा लास्ट ईयर का अचार है। आप ये देखिए कितना ये बढ़िया है। और इसी तरह की मैंने ना ये लंबी फांके करके डाली थी, इसमें हमने मिर्ची कम डाली है। और ये देखिए अचार कितना जबरदस्त है। तो ये ऐसा तैयार हो जाएगा, और मैं यहाँ आपको चम्मच में लेके दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट होता है। ये छिलका छील कर हम इसको बनाते हैं, और ये देखिए ये इतना ऐसे सॉफ्ट होता है, आराम से ऐसे कट जाता है। देखिए इतना सॉफ्ट अचार है ये, और इसमें केवल हींग नमक है, कोई भी तेल नहीं है। तो ये अचार मैं इसलिए ऐसी फांके काट रही हूँ, अगर आप ऐसी लंबी फांके काटते हैं ना तो इस तरह का कुछ ये दिखेगा, ऐसे देखिए ये इस तरह का। तो पूरा 1 साल के बाद मैं बना रही हूँ, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये कट कर लेते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपको कट करने के बाद। तो ये देखिए कटने के बाद ना कह रही कुछ इस तरह से हो गई हैं। तो अब इसका वेट ले लेते हैं। वैसे तो मैंने 1 किलो आम लिया था, तो यहाँ मैं इस बाउल को रखने के बाद इसका वेट लूंगी। जीरो कर लिया है हमने यहाँ, देखिए। अब हम इसमें ये कैरी डाल देंगे, जो कटा हुआ आम है उसको डाल देंगे। और ये बिल्कुल हमने ना साफ ऐसे बिल्कुल सूखा हुआ लिया है बर्तन, तो इससे क्या है कि इसमें थोड़ा खुला है, इसमें नमक मिलने में ना आसानी रहेगी। तो ये हमने ले ली हैं, और ये वेट देख लेते हैं। ये 528 ग्राम के करीब है ना, 530 ग्राम के करीब निकली है, क्योंकि गुठली इसमें बड़ी थी तो ये कैरी इसमें से निकली है। इसको करते हैं बंद। अब मैं इसमें 60 ग्राम के करीब ये सफेद नमक ले रही हूँ, और इसको करूंगी मैं इसको मिक्स। और अभी रात का टाइम है, तो मैं इसको पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। इससे क्या होगा, ये नमक जो है पानी छोड़ेगा। हमें इसे बिना कुकिंग के बनाना है ये अचार, तो देखिएगा आप कितने आसानी से बन जाता है। टाइम थोड़ा लगता है क्योंकि आपको छोड़ना पड़ता है रात भर। तो ये अच्छे से हमने मिला लिया है, और अब हम इसको ढक कर ना रात भर के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं सुबह आपको दिखाती हूँ कि इसका जो पानी निकलेगा, अभी तो इसमें कोई पानी नहीं है, लेकिन ये नमक जो है ना रात भर में पानी छोड़ देगा। तो जो इसका पानी निकलेगा वो फिर हम रात को सुबह देखेंगे उठ के, और आपको दिखाएंगे कि अब उसमें क्या प्रोसीजर करना है। तो सुबह हो गई है, देख रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ये हम देखेंगे अपने जो आम हमने ऐसे काट के रखे थे, नमक लगा के रखे थे, इसको चेक कर लेते हैं। और मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये देखिए नमक के बाद ना ये इस तरह से पानी छोड़ देते हैं, देख रहे हैं ना कितना सारा पानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें स्ट्रेन करेंगे। पानी जो है इसका, ये पानी निकालने वाला बर्तन भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल गंदा ना हो, जाली पे पानी नहीं होना चाहिए, सब कुछ ड्राई होना चाहिए, ये अचार खराब नहीं होगा फिर। तो हम इसको ऐसे करके सारा ये पानी इसका छान लेंगे।
तो हमने ये सारा निकाल लिया है और आप देखिए थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, इसका जो पानी है वो पूरा निचुड़ जाने देंगे और ये पानी हम हींग घोलने के लिए, मिर्च घोलने के लिए यूज करेंगे। और इसको हम या तो आपके पास मलमल का कपड़ा है उस पर फैलाकर सुखा दें, नहीं तो किसी थाली में भी आप सुखा सकते हैं, धूप में सुखाएंगे। तो ये देखिए इस टाइप से हमने इसे थाली में सुखा लिया है और ये हमारा पानी बच गया है, इसको हम ढक के अलग रख लेंगे। और ये मैं आपको बताऊं बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब आप फील करेंगे ना तो थोड़ा सॉफ्ट ऐसे हो जाती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होता है कि अचार गलने में मदद करती हैं। ये देखिए हमने धूप में रख दिया है और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, मतलब चलाते इन द सेंस कि उलट पलट के ऐसे सुखा लेंगे। अब देखिए 4-5 घंटे हमने इसको धूप में सुखा लिया है, देख रहे हैं ना आप, तो ये कोई भी इसमें मॉइस्चर नहीं है और बहुत अच्छे से ये सूख गया है। और ये लिया है हमने नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं पानी में है। ये हमने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही हमने ये खुशबू वाला हींग लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पानी है इसके अंदर हम ये तीनों चीजें मिला लेंगे। पहले सबसे हींग डालेंगे, इसको ऐसे घोल लेंगे थोड़ा। ये हींग मेरा बहुत अच्छे वाला है, ये राजस्थान से मंगाया हुआ हींग है मेरा, बहुत ही बढ़िया हींग है और ये थोड़ी देर में ही ऐसे घुल जाएगा पूरा अच्छी तरह से। और इसके अंदर हम डालेंगे कलर के लिए मिर्ची पाउडर, जो मैंने पिछले वाला अचार बनाया है लास्ट ईयर वाला उसमें मैंने कलर वाली मिर्ची नहीं डाली है। ये डालेंगे हम नमक, और आप नमक ना टेस्ट करके भी देख सकते हैं। तो इनको करेंगे तीनों को अच्छे से मिक्स। ये मैंने कांच का जार लिया है जिसको अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया है, जिसके अंदर मैं ये अचार डालने वाली हूँ। अब हम इसके अंदर ये जो सूखी हुई आम की फांके हैं इनको डाल देंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे इसको बस मिक्स करना है और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कलर भी अच्छा आएगा, हींग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हींग आप जब इसमें डिजोल्व करते हैं ना तो ही बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और ये जो नमक है इसको प्रिजर्व करता है। और ये अचार जो है 6-7 डेज में ना बनकर तैयार हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसे करके हम और इसमें सारी मिला लेंगे ये, और मिलाकर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारा ये सुपर डुपर यमी सा अचार जो है वो बनकर तैयार है, कितना सुंदर कलर है। 6-7 डेज में ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, खाने के लायक हो जाएगा, और आप इस समय भी चक्कर देखेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। इसको जार में, कांच के जार में भरकर रख दीजिए और 1 साल तक खूब इसका आनंद उठाइए, मठरी के साथ खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।